अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व्यूअर्स, आज आपको हम एक केस बताएंगे जिसमें घोड़ों को आम मर्ज़, जो एक मोहलक और ज़्यादातर मर्ज़ होती है, और वो है कोलिक, यानी कि पेट का दर्द, जिसकी वजह से घोड़े मर भी जाते हैं। गधे या घोड़े हों तो उनकी जान भी चली जाती है और बाज़ अवकात बच भी जाते हैं अगर बर वक्त आप फौरन इलाज कराते हैं। तो आज आपको बताऊँगा कि इसकी वजूहत किस वजह से होती है और इसका इलाज क्या है। तो प्लीज़ उससे पहले आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो तक पहुंच सके। तो देखें, ये जो घोड़ों में भन जिसे कहते हैं, भन पड़ जाना, मैदा बंद हो जाना, कोलिक, पेट का दर्द, और साथ ही इसकी जो सबसे जो बड़ी बात है, अक्सर जब आप देखते होंगे कि जहाँ पर कोलिक का मर्ज़ बनता है तो कुछ डॉक्टर हजरात या कुछ ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं कि बड़ा नहीं छोटा पेशाब बंद है। तो जब घोड़ों में बन पड़ता है तो इसका आप दोनों चीज़ों का एक साथ ही ट्रीटमेंट करेंगे, ये मतलब यूरिन का, छोटे पेशाब का, और बड़े फीसद यानी कि गोबर का जो लिद होती है, इस दोनों का ट्रीटमेंट आप एक साथ ही करेंगे, करना पड़ेगा आपको, क्योंकि इन दोनों में कॉमन चीज़ें एक साथ ही होती हैं, ख़ासकर इस मर्ज़ में, इस स्पीसीज़ में जो हॉर्स की है, घोड़े की है या गधा है, तो इसमें यही होता है। तो ये अक्सर कोई इतनी बड़ी वजूहत नहीं होती कि ये खुशक चारा द्वारा इसलिए हो गया या कोई लूसन वगैरह खा रहे हैं तब हो गया। ये इनकी एक परमानेंट और कॉमन डिजीज़ है, तो इसमें ये मतलब कोई भी घास वगैरह खा रहे होते तो अचानक एक मसला बन जाता है। तो इससे बचने के लिए तो सबसे पहले आप ऐसा किया करें कि आप ऑक्सोफेक्स है जो हिल्टन फार्मा की है, ऑक्सोफेंडाजोल होती है, उसकी आप इसको रूटीन के बाद डेवर्मिंग करवा के रखा करें ताकि इसका मैदा बंद ना हो, क्योंकि मैदा बंद होने की वजह से ही, बंद पड़ने से ही इसका यूरिन भी बंद हो जाता है। तो यहाँ पर जब आप इस तरह की कंडीशन बन जाए तो दोनों आप ट्रीटमेंट एक साथ करेंगे और मेडिसिन आप ये लगाएंगे कि पहले आप ड्यूरेटिक कोई भी लास्टिक्स इंजेक्शन होते हैं वो अगर आप फौरन रिजल्ट चाहते हैं, देखिए जैसे अब फौरन मिला है मैंने इसको, पहले ड्यूरेटिक यानी कि लास्टिक्स आईवी किया और उसके बाद 10 मिनट बाद मैंने ड्रिप स्टार्ट की जिसमें हेपासेल इंजेक्शन, बी कम्प्लेक्स इंजेक्शन और पेन किलर मैंने इंजेक्शन इसके अंदर डालकर इसको आईवी किया ताकि इसकी पेन भी कवर हो और साथ इसका रूमन जो है मैदा भी खुल जाए। तो देखें, ड्रिप अभी आधी हुई थी तो इसने यूरिन फौरन ही 10 मिनट से पहले ही ये दूसरी बार कर रहा है, तो दूसरी बार इसने छोटा पेशाब कर भी दिया और कुछ ना कुछ अभी रिलैक्स हो चुका है, मतलब छोटा पेशाब इसने कर लिया तो अभी गोबर भी आहिस्ता आहिस्ता करना शुरू कर देगा। तो अगर इस तरह की केस आपके पास आता है तो आप इस तरह ही इसका इलाज करें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर करेगा। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।